अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल एकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में। और इन प्रॉपर्टीज में मैं डिस्कस करूंगा कि लिक्विड की शेप और वॉल्यूम क्या होती है, उनकी डेंसिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, उनकी फोर्सेज ऑफ उनके मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करूंगा और लास्ट पे उनके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विड्स की कोई एक खास शक्ल नहीं होती, उसको आप जिस रंग में डालते हो वो उसी रंग में डाल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने लिक्विड को किसी ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, और अगर आप लिक्विड को किसी जग में डालते हैं तो वो जग की शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन जो लिक्विड्स है उनकी एक खास शक्ल होती है। आप देख सकते हो कि ग्लास में अगर मैंने पानी भरा हुआ है तो ग्लास में पानी ने एक खास जगह घेरी हुई है, और जग में भी एक खास जगह घेरी हुई है, जो इस बात की दलील है कि जो लिक्विड है उनकी एक खास वॉल्यूम होता है। जबकि गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। गैसेस में ये बात पाई जाती है कि ना ही उनकी कोई खास शक्ल होती है ना ही उनका कोई खास वॉल्यूम होता है। मैं गैसेस और लिक्विड्स को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, इनके दरमियान फर्क को वादे करने की कोशिश करता हूँ। आपने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर में अगर आप आधा पानी भरें, यानी कि उस सिलेंडर को आधा फिल करें, तो आधी जगह जो है वो खाली रह जाती है, आधी बड़ी रह जाती है। तो जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो आधे सिलेंडर का होगा, क्योंकि उसने आधी जगह घेरी हुई है। तो इसीलिए जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो आधे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन अगर आपने सिलेंडर को गैस से फिल किया है और आधी सिलेंडर को फिल किया, लेकिन फिर भी जो गैस के मालिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और वो पूरे सिलेंडर को ही भर देंगे, तो उस केस में जो गैस का वॉल्यूम है वो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो इससे ये बात वादे हुई कि जो लिक्विड्स है उनका एक खास वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का खास वॉल्यूम नहीं होता। तो जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि वो हर वक्त ही मूव करते रहते हैं, वो आराम से नहीं बैठते, वो हमेशा ही मोशन को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। जो लिक्विड्स होते हैं वो इवेपोरेशन और डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करते हैं, और ये फिनोमेना लिक्विड की इसी मोशन की वजह से होता है। ये जो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन है ना, इसी वजह से जो लिक्विड्स हैं वो इवेपोरेशन और डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करते हैं। अब ये इवेपोरेशन और डिफ्यूजन है क्या? इवेपोरेशन कहते हैं उस फिनोमेना को कि लिक्विड का बहरात में कन्वर्ट हो जाना। आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि फर्श पे अगर आप पानी पड़ा हुआ तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाटर है वो गायब हो जाता है। तो क्या ये एक जादू होता है? नहीं, ये जादू नहीं है, बल्कि जो लिक्विड है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला गया है। तो ये क्यों जाता है? वो इसी मोशन की वजह से जाता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली यहाँ पे मूव करते रहते हैं, और एक टाइम आता है कि वो ऊपर वाली सरफेस पे आते हैं और इस सरफेस से भी वो एस्केप कर जाते हैं। तो जब वो एस्केप करते हैं तो वो बहरात में कन्वर्ट हो चुके हो जाते हैं। डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करना। इसकी मिसाल कुछ ये है कि अगर एक आदमी है वो एक कमरे में बैठा हुआ है और उस कमरे के एक कोने में वो बैठा हुआ है, और एक दूसरा आदमी है वो भी उसी कमरे में बैठा हुआ है लेकिन वो उसी कमरे के दूसरे कोने में बैठा हुआ है। एक आदमी ने परफ्यूम लगाई हुई है, एक ने नहीं लगाई हुई। तो जिस बंदे ने परफ्यूम लगाई हुई है उसके पास मॉलिक्यूल्स की जो मिकदार है वो क्या है? ज्यादा है। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कमरे के दूसरे हिस्सों में मूव करना शुरू करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है तो दूसरे कोने में जो बैठा हुआ बंदा है जिसने परफ्यूम नहीं लगाई हुई उसको भी खुशबू सूंघनी शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ से मूव कर गए। तो ये डिफ्यूजन जो है ये इसी मोशन की वजह से होती है। अब डिफ्यूजन की एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने एक फ्लास्क ली हुई है, उसमें पानी है और उसमें आप कुछ स्याही के ड्रॉप्स डालते हो, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और ऐसा ऐसा ये जो स्याही के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और जो स्याही के मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो डिफ्यूजन है वो भी इसी मोशन की वजह से होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं और वहां पर चले जाते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, जहां पे मिकदार कम होती है।
अब लिक्विड्स की डेंसिटीज की बात कर लेते हैं, जो डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स होती हैं वो गैसेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती हैं, बट आर क्लोज टू दोज ऑफ सॉलिड, लेकिन सॉलिड के बहुत ज्यादा करीब होती हैं। अब ये डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना वजन है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कील है, उसका एक खास वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम आप मालूम कर लें, उस वॉल्यूम की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और उस कील का वजन कर लें, उसका जो भी वजन होगा उसको आप ऊपर रखते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बताता है कि कील के स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना वजन प्रेजेंट है। अब ये जो डेंसिटी होती है ये हमें ये भी बताती है कि कोई चीज कितनी बड़ी है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब है वो चीज उतनी ही बड़ी होगी, अगर डेंसिटी कम है वो चीज उतनी ही बड़ी कम बड़ी होती है। तो डेंसिटी जिस चीज की बड़ी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो चीज जितनी हल्की होती है वो ऊपर उठती है, ये बात आपने ऑब्जर्व भी की होगी। तो यहाँ पे एक आप रिवर को कंसिडर कीजिए और आपको पता है कि रिवर के ऊपर एयर ही होती है और तो कोई चीज नहीं होती, एटमोसफेयर ही होता है। तो अगर मैं एक कील को कंसिडर करता हूँ और इस कील को मैं ड्रॉप करता हूँ, तो ये जो कील है वो हवा और रिवर को चीरता हुआ नीचे आएगा। अब रिवर क्या है? लिक्विड है, और एयर क्या है? गैस है, और ये जो कील है वो सॉलिड है। तो सॉलिड ने हवा को भी चीरा, गैस को भी चीरा और दरिया को भी चीरा, यानी कि जो ये सॉलिड है वो सबसे ज्यादा डेंस है, बड़ी है, इसलिए वो नीचे आके बैठ गया। तो इससे ये बात वादी हुई कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा होती है और जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो गैसी से ज्यादा होती है। ये क्यों होता है? आप देख सकते हो कि जो लिक्विड है वो नीचे बैठा हुआ है जबकि गैस है वो ऊपर है। तो सबसे नीचे क्या है? सॉलिड है, तो वो सबसे बड़ी है, उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा। उसके ऊपर रिवर है, उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम हुई, और उसके ऊपर एयर है जिसकी सबसे ज्यादा कम होती है। लेकिन आपने ये भी बात तो देखी होगी कि अगर आप दरिया में लकड़ी का कोई टुकड़ा फेंकते हो तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो उसी दरिया के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तो इस केस में पानी के ऊपर तैर रहा है लकड़ी का टुकड़ा, तो इस केस में सॉलिड तो नीचे डूबा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो कम है। तो हर केस में ये जो रूल है ये फॉलो नहीं होता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड की डेंसिटी के बराबर ही होती है कुछ केसेस में। तो स्पेसिस होती हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो नेग्लिजिबल होती हैं, यानी कि ना होने के बराबर है। स्पेसिस क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह भी होती है, उनको हम स्पेसिस कहते हैं। तो लिक्विड्स के केसेस में ये ना होने के बराबर है, जस्ट लाइक सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड की तरह। इसका मतलब यह है कि सॉलिड और लिक्विड में जो खाली जगह होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये ना होने के बराबर होती है। अब ये जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हो कि जो स्पेसिस है वो कितनी ज्यादा है, खाली जगह कितनी ज्यादा है, जबकि सॉलिड में देखोगे तो वो ना होने के बराबर है और लिक्विड्स में भी वो ना होने के बराबर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पेसिस होती हैं वो गैसेस में होती हैं, फिर उससे कम लिक्विड्स में और फिर उससे कम सॉलिड्स में। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस और सॉलिड्स। तो जो लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड्स और गैसेस के दरमियान में होती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं? तो वर्ड से वादे हो रहा है कि ये कौन सी फोर्सेस हैं। इंटर कहते हैं दरमियान को, मॉलिक्यूलर कहते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल के दरमियान, अट्रैक्टिव कहते हैं अट्रैक्शन शो करने के लिए, कोई चीज को खींचने वाली, और फोर्सेस ताकत को कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक दूसरे को खींचने वाली ताकत है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ताकि वो करीब करीब आ सकें एक दूसरे के। तो लिक्विड्स में जो फोर्सेस होती हैं ये दरमियानी होती हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेज है। और सॉलिड के केस में जो स्पेसिस है वो सबसे कम होती हैं और लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती हैं, और सबसे ज्यादा जो स्पेसिस हैं वो गैसेस के केस में होती हैं। अब देख सकते हो कि सॉलिड में जो स्पेसिस हैं वो कम हैं, मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स करीब होंगे उतनी ही उन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनकी उन पे उतनी ही कशिश वाली फोर्सेस लगेंगी, यानी कि यहाँ पे सॉलिड के केस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सबसे ज्यादा होंगी और लिक्विड के केसेस में उससे कम होगी और गैसेस के केसेस में सबसे ज्यादा कम होंगी। क्योंकि गैसेस में आप देख सकते हो कि स्पेसिस बहुत ज्यादा है,
तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ही कम हो जाएंगी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे उतनी ही अट्रैक्शन के फोर्सेस भी कम होंगी, और जितने वो करीब होंगे उतनी ही उनके दरम्यान जो बॉन्डिंग है, उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही सख्त होगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ सच फोर्सेस, तो इन फोर्सेस की ताकत पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू होगी, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो कि सॉलिड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब इस फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ना है, तो जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो सके, इनके दरमियान जो फोर्सेस है वो कम की जा सके। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो सॉलिड के केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड्स की बनिस्बत ज्यादा होगा, और लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो गैसेस की बनिस्बत ज्यादा होगा, यानी कि जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही ये है कि एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि अगर बॉडी कोई मूव कर रही है तो उस मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। जैसे कि इस फिगर में आप देख भी सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, तो उनके पास इसी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। Liquids can be converted into solids on cooling, for example by decreasing their kinetic energy. अब liquids को हम solid में convert कर सकते हैं, बल फिर कैसे हम ये कर सकते हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो ये हम cooling से कर सकते हैं, तो ये बात आपने ऑब्जर्व भी की होगी, आप अगर फ्रिज में पानी को रखते हैं तो वो आइस में यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैसे होता है, ये कूलिंग की वजह से होता है, क्योंकि जो फ्रिज है वो लिक्विड का टेम्परेचर कम कर देती है। तो टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर की डेफिनेशन ही यही है कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, के एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को मेजर करना, मालूम करना, यह टेम्परेचर कहलाता है। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ज्यादा एनर्जी से मूव करेंगे। अब जो ही मैं काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा हूँ, यानी कि हम मैंने कूलिंग प्रोवाइड की, तो टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो वो मूव भी ऐसा ऐसा करने शुरू हुए, तो जो जो मूव मोशन उनकी कम हुई तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आने शुरू हो गए, मॉलिक्यूल्स करीब आने शुरू हुए तो उनकी दरमियान जो स्पेसिस है वो क्या होगी, कम होगी, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो इसका क्या मतलब है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि सॉलिड के केसेस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कोलाइड अमंग देमसेल्फ, जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हुए कोई ऐसी मुकाम आता है कि कोई मॉलिक्यूल उनके रास्ते में आ गया और वो एक दूसरे से स्ट्राइक कर गए। अब ये दो एक दूसरे से टकराते हैं और अपनी एनर्जी का तबादला भी करते हैं, एंड एक्सचेंज एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी अगर एक मॉलिक्यूल टकराया है दूसरे मॉलिक्यूल से और इस मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी कम है तो टकराने की वजह से ये अपनी एनर्जी उसको भी दे देगा। बट दोज ऑफ सॉलिड्स डोंट डू सो, लेकिन जो सॉलिड्स हैं वो ऐसा फिनोमेना शो नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर आया पसंद तो प्लीज मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसे मुस्तफीद हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।